देखते हैं कैसे रोस्ट किया हुआ है और सुनते हैं मसालेदार रोस्ट। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजू। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। ए वल्लू बता इसे बता। लीबिया मारा तबाह हो गया, इराक मारा तबाह हो गया, अफगानिस्तान मारा तबाह हो गया, फलस्तीन मारा तबाह हो गया, यानी मार भी हम खा रहे हैं। मतलब लीबिया, इराक, पलस्तीन, सीरिया, सूडान, यमन जैसे तमाम इस्लामिक देश खुद तबाह हुए बैठे हैं। अमेरिका, इजराइल जैसे देश बंदों को जब चाहे तब पेल कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी पोरियो के ख्वाब। एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। इस्लाम का झंडा लहराए ना लहराए, लेकिन दुनिया भर में भगवा जरूर लहरा रहा है। और यही बात पोरियो को सुकून से सोने नहीं देती। जब से अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पोरियो का दुख खत्म होने में नहीं आ रहा। भारत के वजीर आजम ने राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। आज दिल बहुत ज्यादा उदास है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अब वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। जहाँ कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहाँ भजन गाए जा रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई पोरियो का रोने का ये सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अभी तो अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बना है, मथुरा काशी तो अभी भी बाकी हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनके अब्बा मुगलों का भारत में नामो निशान मिटता जा रहा है। और इसी के साथ साथ पोरकी, ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए ये न्यूज इतनी बैड न्यूज है। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बायकॉट करें। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। ये पोरकी गैर मुस्लिमों का बॉयकॉट करेंगे, जो साले खुद गैर मुस्लिमों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अरे भीख मंगिया हलवा ही क्या? अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं। जिस दिन गैर मुस्लिम देशों ने हाथ खींच लिया, भीख लेने को तरस जाओगे, कोई भीख भी नहीं देगा। सड़कों पर आकर ये चिल्लाते नजर आओगे, हमारे साथ क्या हो गया, काफिरिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहले पोरियो तुम्हें एक बात बताओ, तुमने अपने दम पर इजाद क्या किया है? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? तो सालों मुंह में फेविक्विक मिलाकर सलीम गुटका डालो और मुंह बंद रखो। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसर दूंगा और खोलूंगा। लेकिन पोरियो इतनी आसानी से मुंह बंद रखने वाले थोड़ी है। बंदों के मुंह में छाता क्या, पूरा पैराशूट भी घुसेर दोगे तभी बंदे शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि बंदों के पिछवाड़े में कोई ना कोई चुल्ली लगी ही रहेगी। और बंदे राम मंदिर को लेकर अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पाए, तो अब इस मुद्दे को लेकर कहां पहुंच गए? पाकिस्तान के मंदूब की OIC के सफीरों के इजलास में शिरकत। मुनीर अकरम ने भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। मतलब बंदे बात बात पर भारत के खिलाफ OIC तो ऐसे पहुँच जाएंगे जैसे OIC भारत का घंटा कुछ उखाड़ लेगा। जबकि OIC पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, चाहे वो फारिस्ट में है, चाहे वो अरबिस्तान में है, जहाँ भी आप देखें, किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रिंगी है। भाई जू रहेंगे भी क्यों? हर मुस्लिम देश इनकी तरह भिखारियों नल्ला थोड़ी बैठा है। हर देश को आगे बढ़ना है, हर देश को बिजनेस करना है। इन पोरियो के चक्कर में उन्हें अपने पेट पर लात थोड़ी खानी है। और ये बात पोरियो को भी अब अच्छे से समझ आ चुकी है कि OIC में जाने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पोरियो अब अपना लास्ट और खानदानी ऑप्शन क्या आजमा रहे हैं? जिहाद किस लिए है? जिहाद करो, मारो उनको जो आपके आपको क्यों घर गिरा दे। अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद जिहाद के लिए निकलना चाहिए। जिहाद 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 जिहाद, चलो जिहाद ना हुआ, प्राइवेट नौकरी हो गई कि चलो कोई काम धंधा नहीं बैठ रहा तो यही कर लेते हैं। अबे साले, लेकिन अब सवाल उठता है कि पोरकी जिहाद करेंगे किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ करेंगे तो बॉर्डर पर आते ही पेल दिए जाएंगे, तो अब बचा कौन? मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाए उनको। क्या हिंदुओं की है ना? ये कहां, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा दो, क्या हो गया? झोपड़ी वालों, मंदिर गिराने के नाम पर तुमने पाकिस्तान में छोड़ा भी क्या है? सारे मंदिर तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये पाकिस्तानी हिंदू जो टूटे हुए मंदिर में ही अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। ओम जय जग
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। लेकिन पोरको को अपने मुल्क में माइनॉरिटीज की ये हालत नजर नहीं आती, उल्टा पोरको का भारत के लिए कहना होता है। माइनॉरिटीज वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं बुखारी साहब, क्रिश्चियन महफूज नहीं है। हाँ, 6 लाख से ऊपर भारत में मस्जिदें होने के बावजूद भी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। रेलवे सेना के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास होने के बावजूद भी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। और तुम्हारे मुल्क में हिंदुओं की ये हालत होने के बावजूद भी हिंदू सुरक्षित है। ये ना समझा क्या मेरे को? और भाई, इन बंदों की हरामजादगी, बंदे बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री के नाम पर ये तो बता रहे हैं। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाया गया है, वही बाबरी मस्जिद जिसकी तामीर 1528 में हुई। लेकिन 1528 से पहले बाबरी मस्जिद किसको तोड़कर बनाई गई? उस हिस्ट्री के पेज पोरकों के दिमाग और बुक दोनों से ही गायब हैं। उल्टा पोरकों का मुगलों के बारे में कहना है, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। अकबर बादशाह ने कितनी सहूलियात दी थी हिंदुओं के साथ, शादियां की उन्होंने, उनके घर में 3 औरतें हिंदुओं की थी। मतलब पोरकों के हिसाब से हिंदू महिलाओं को जबरन धर्मांतरण करा के उससे शादी करना, ये मुगलों द्वारा हिंदुओं को दी गई सहूलियत थी। और यही सहूलियत अगर आज हिंदुस्तान में देना शुरू कर दी जाए तो यही पोरके आगे आकर भोगते फिरेंगे। भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूँ तो कहीं से भी नहीं है। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। अबे तो इसमें बुराई क्या है? सालों तुम्हारा मुल्क भी तो इस्लामिक रिपब्लिक को बनाना है। तुम अपने मुल्क को इस्लामिक राष्ट्र बोल सकते, हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते। ये भेदभाव क्यों? रही बात तुम्हारे मुल्क और बाबर की, इसी बात पर शेर सुन। पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत ने दिया मुंह। पाकिस्तान की मौका और बाबर की माँ की, तू समझा? वो भी कितनी बार? 3 बार। कितनी? 3 बार। कितनी? 3 बार। भाई, ये वक्त है हम हिंदुओं की एकजुटता का, अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तानी चैनल को तो तुम धुआंधार सब्सक्राइब करते हो, और इधर तुम्हारे हिंदू भाई के चैनल पर सूखा पड़ा हुआ है। भाई, भारी से भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी हिंदू भाई एकजुट हो जाएं, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भाई, मिशन बहुत लंबा है, एक एक देशद्रोही को रख रख कर पेलना है। और हां, पोलियो जो तुम अपने दोस्त मुल्कों पर फूलते फिरते हो, वो भी जय श्री राम, जय श्री राम। जी तो रोस्टिंग तो अच्छी थी और काफी बातें भी ठीक थी। और पाकिस्तान को जब ऐसी बातें करता है ना, मुझे यकीन करो खुद गुस्सा आता है। जब वो कहते हैं ना कि इंडिया में मुसलमानों के साथ है, हो गया माइनॉरिटी के साथ ये हो गया, वहां पे माइनॉरिटी सेफ नहीं है, तो मैं उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि यार अपने पाकिस्तान की माइनॉरिटी को पहले सेफ कर लो, अगर यहाँ की सेफ होगी तो फिर आप बात कर सकते हैं, वरना आप चुप रहे हैं इस मामले में। पता नहीं है, और जनाब दूसरों को आप ज्ञान देने पे तुले हुए हैं। वो मुझे ये समझ नहीं आती कि ऑन मीडिया बैठ के इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो जैसे उन्होंने बीच में मेंशन किया ना कि भाई हिस्ट्री आपने जो है वो मिटाई हुई है, सोशल स्टडी में लिखे नहीं है जो बैक हिस्ट्री चल रही थी और किस पे मस्जिद क्रिएट की गई है, पूरी स्टोरी बताए ना भाई। मीडिया पे बैठे हुए पूरी स्टोरी बता के फिर आप अपना दुख पिटेंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल में लोग सुनेंगे आपको कि यार रियलिटी पे बात तो किया ना, कम से कम इनको रियलिटी पता तो है ना। और यहाँ पे मीडिया में बैठ के वो पाकिस्तानी रिपब्लिक का बनाना जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ना, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस तरह की हरकतें, जैसे वो कह रहा था मंदिर, वो मौलवी आया था जो वो कह रहा था कि सारे थोड़े से हिंदू हैं, थोड़े से इधर तो हिंदू हैं और उनका एक तो मंदिर गिरा दो, ये पाकिस्तानी एजुकेशन का। तो फिर कहते हैं कि इंडिया में जो है वो माइनॉरिटी से, सारी दुनिया को पता है कि 80% से अबव आबादी है हिंदुस्तान की, और भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़े से हिंदू है, पाकिस्तान की बात कर रहे ये हिंदू छोड़ो, ये पहले तो पाकिस्तानी है ना, हमें ये हमारी पाकिस्तानी है, हमारी ये सोच नहीं बदल रही। वो पाकिस्तान में रहे थे ना, उनका एहसान था कि वो चलो पाकिस्तान में रुके। आपको अच्छा नहीं लगता या आपकी सोच ऐसी कट्टरवाद वाली सोच है, तो इसका ये क्या हो गया कि उन्हें उनके मंदिर गिरा दिए जाए? यार हमारे इस्लाम ने ये तालीम तो नहीं दी कि हाँ ये, और फिर कायद आजम ने भी बोला था यहाँ जो सब है, कोई मंदिर जाना चाहे तो मंदिर जा सकता है, कोई मस्जिद जाना चाहे मस्जिद जाए। और यहाँ के लोगों की सोच नहीं बदली, अपने कानूनों को नहीं पढ़ना और बातें अपनी जेन माइंड से करनी, और बेसी जड़ी है पूरे पूरी दुनिया में हमारी करवा देनी है कि सारे मुस्लिम यहाँ के ऐसे ही है। सारे नहीं है, ये कुछ लोग हैं पर ज्यादा हैं, ये काम नहीं है, ज्यादा है। ये काम नहीं है, सच्ची बात बोली चाहिए, ज्यादा हैं और इनकी सोचे ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग ना किसी धर्म के साथ भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ये समझ नहीं आती, इंडिया में कुछ होता है, इंडिया में मस्जिद अगर शहीद की जाती है या कुछ भी नुकसान होता है मुसलमानों के साथ कुछ,
यहाँ पे ये वादे उठने शुरू हो जाते हैं कि जी मंदिर गिरा दो जी, ये हिंदुओं को तबाह कर दो जी, खुदा दे बंदे हो ये पाकिस्तानी हिंदू हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये हमारे मुल्क के हैं, ना के इंडिया के हैं ये। और अजीबो गरीब बात ये है कि जिन लोगों के लिए हम आवाज उठाती हैं उनसे हमारी चित्रोल होती है, वो हमें कहते हैं कि अपने मुल्क में देखो कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं, हमारी फिक्र छोड़ो। इंडिया के मुस्लिम की बात करते हैं तो इंडिया के मुस्लिम कहते हैं कि पाकिस्तान अपने गिरबान में झांक, पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लोग हमें चित्रोल करते हैं, वो कहते हैं अपने कश्मीर को देखो, बात करें पहले अपने कश्मीर की बात ना करें, ये आगे से कहते हैं वो, ये चित्रोल करवाने का हमने ठेका ले रखा है या जानबूझ के हम किसी ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं तो उस पर रोस्टिंग तो बनती है ना फिर, बिल्कुल सही से चित्रोल भी होती है। लेकिन TWI प्रो से गुजारिश करूंगा कि गाली गलौज से थोड़ा प्रेस करें और ये चीज अच्छी नहीं, वैसे रोस्टिंग करें, आपकी रोस्टिंग ठीक होती है, रोस्टिंग उनको करें वो जो बोल रहा था ना कि हमें इनके खिलाफ जिहाद करना नहीं चाहिए। कोई भी हो गाली गलौज नहीं, गाली नहीं, इनके इनको बोलना चाहिए, कोई भी जो है वो सुनता होता है ना, वो जिहाद जो बोल रहा है कि हम करेंगे, यार क्या जिहाद करके आगे क्या कर लिया अभी कितने, मुझे तो लगता है कि वो शलवार में अपनी नाड़ा भी नहीं डालता होगा खुद, उसमें जिहाद करना है तो आगे कश्मीर के क्या हालात, वो भी अपनी बेगम को कहता होगा पादे नाड़ा पादे, फिर जहाद करना है इन्होंने, घर में हो सकता है दूसरी बार सालन भी ना मिला हो, जहाद में चले हैं जी। पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी थी, इनकी रोस्टिंग बहुत अच्छी थी, मजा आया, एंजॉय किया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।